अब फॉर्मूलाज हम कर रहे थे, फॉर्मूलाज को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने फॉर्मूलाज किए थे एक्सेल की फाइल के अंदर, वो हमने यूज इन ब्रैकेट इन फॉर्मूला, मतलब एक्सेल में ब्रैकेट ज़रूर हमने इस्तेमाल करनी होंगी, तो वो हमने लास्ट टाइम देखा था। तो इसी तरह अभी नेक्स्ट हम जाते हैं, ठीक है। कुछ और कौन सा बिन टू डीसी, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल का ये है ना, क्या आपके पास एक डेसिमल नंबर है, फॉर एग्जांपल 25, अब इस डेसिमल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करने, बाइनरी पता है ना आपको 1 और 2 की फॉर्म होती है, मतलब 1 और 0 बाइनरी, टोटल 2 डिजिट होते हैं, 1 और 0, बस 1 मीन 0 मीन 0। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि अब कन्वर्ट करना है हमने डेसिमल को बाइनरी में, तो हम डेसिमल टू बाइनरी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर हमें इक्वल कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इक्वल हमें पहले अप्लाई करना पड़ेगा, और हम यहाँ से डीसी टू पीआईएन बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, फिर उसके बाद वो सेल सेलेक्ट कर देना है। ये सेल कौन सा है हमारे पास, E6, और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर करेंगे 11001, ये आपके पास बाइनरी में आ गया, ठीक है। 25 को बाइनरी में 11001 पढ़ते हैं। इसी तरह इसको दोबारा वेरीफाई करने के लिए मैं अब बाइनरी टू डेसिमल करता हूँ, तो बाइनरी टू डेसिमल करके मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर दिया जिसमें मेरा बाइनरी वाला नंबर था, और मैंने इंटर किया तो ये 25 वापस आ गया, ठीक है। इस तरह फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिनमें काउंट का आपने फार्मूला ऑलरेडी कर लिया था कि टोटल वो जितने भी नंबर है तो वो काउंट करके बता देता है। फिर इसी तरह डेट का एक फार्मूला है, डेट के लिए आपको एक सेल में डे, एक सेल में मंथ और एक में ईयर लिखने होंगे, तो आपको वो डेट बता देगा, ठीक है। इसके लिए आपको डेट का सिंटैक्स यूज करना होगा, इक्वल DAT डेट करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, ईयर लिखते पहले मैं ईयर लिखते तो ईयर, फिर मंथ, मंथ में एक लिखते तो फिर डे, मैं आज साल लिख देता हूँ, तो ये देखें आज की डेट लिखी हुई इस तरह आ गई, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है डेट के बाद, डेट के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है डे का, तो डे हमने फाइंड करना हो तो DAY, ये इसका साइंटिक्स है, इक्वल DAY और वो सेल, और वो उस डेट का दिन बताए, जो डेट आप पहले फुल डेट लिखे फिर वो डे बता देगा। वो एक सेल में आपके पास इस तरह फॉर्मेट में डेट लिखी हो, डेट लिखने का फॉर्मेट ये है कि आपने मंथ पहले लिखना है, फिर डे, फिर ईयर, फिर आपको वो डे बता देगा, ठीक है। इसे अब मैं प्रैक्टिकल अप्लाई करके आपको बता दूं, ठीक है। इस तरह आपने जैसे अभी लिखा पहला महीना है, 7 डेट है और 15 है, तो ये आपने लिखा। अब यहाँ पे ये आपको डे बताएगा, इक्वल डे ब्रैकेट स्टार्ट और ये सेल और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे आज 7वां दिन है इस मंथ का। डे के बाद आपके पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला है डेज 360, आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखी और बीच में ऐसे कोई दिन आपने ढूंढने कितने दिन हो गए, तो ये डेज 360 का फॉर्मूला लगेगा। इसका तरीका ये है कि आप स्टार्ट डेट और एंड डेट दे साइंटिक्स इस तरह लगाए और ट्रू साथ लिख दें, तो ये इस तरह ये आपको बता दें। ये प्रैक्टिकल ये एग्जांपल है, आप खुद इसे प्रैक्टिकल अप्लाई कर लेना हुआ तो मैं दोबारा आपको ये समझा दूंगा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम करेंगे वो है इफ का है, और इफ को हम डिस्कस करेंगे, इस इफ को फॉर्मूले को हम ग्रेड के फॉर्मूले में डिस्कस करेंगे। आवर देख लेते हैं, आपने आवर फाइंड करना है तो आवर के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, जब आपके पास टाइम होगा तो आप आवर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है LCM का, आपके पास दो सेल में नंबर लिखे हुए होंगे और सिंपल आपने सेंटेंस इक्वल LCM
C4, C5 कर दिया और इस तरह आपने LCM फाइंड कर लेना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास लुकअप का फॉर्मूला है। लुकअप में ये है कि आपने अगर किसी बंदे का मतलब डिफरेंट मंथ का रिकॉर्ड है तो आखिरी मंथ का जो रिकॉर्ड है वो शो करना है, तो वो आप इस फॉर्मूले के लुकअप के फॉर्मूले से शो करवा सकते हैं। या आप कोई मतलब एक नाम है, अब इस एग्जांपल को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये डेटा मैं उठा लेता हूँ, ठीक। इस डेटे में मैं कहता हूँ कि इस डेटे को थोड़ा मैं फिर चेंज कर दूंगा। अब मैं कहता हूँ कि नेम ये दिए हुए, इन्हें मैं कहता हूँ इनके जो मार्क्स हैं, मैं कहता हूँ ये मैथ के मार्क्स हैं, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये उर्दू के मार्क्स हैं। तो मैं कहता हूँ उर्दू के मार्क्स इसमें से मुझे उसके पता चल जाए, किसके जी, मैं कहता हूँ यहाँ से डेविड के पता चल जाए, डेविड के उर्दू के मार्क्स मुझे इधर से तो पता चल जाएंगे, लेकिन मैं कहता फॉर्मूला मुझे निकाल के दे, तो मुझे लुकअप का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। उसका साइंटिक्स देखें यहाँ पे, इक्वल लुकअप और F12 वो सेल जिस नाम को आपने ढूंढना है, और फिर उसके बाद वो सारा एरिया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लुकअप का लिखूंगा, लुकअप, लुकअप के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और मेरे पास ये सेल कौन सा, डेविड वाला D37 और कामा, और उसके बाद ये सारे सेल और ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, 51 आ गया। ये देखें उर्दू में कितने ने। अब ये लास्ट जो कॉलम होता है उसका बताते हैं, जो कॉलम लास्ट होगा उसका बताएगा, बीच में ये कॉलम आप हटा दें तब भी ठीक है। तो ये इस तरह ये आपको लुकअप का फॉर्मूला इस तरह काम करता है। इसी तरह आपके पास मैक्सिमम मिनिमम आपने किए हुए हैं पहले भी। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, परसेंटेज का है, परसेंटेज पे आप जाए, आपके पास 120 एक इनिशियल वैल्यू है, परसेंटेज 25% है। आप अब कहते हो 120 का 25% कितना बनता है, सिंपल इक्वल लिख के डी ए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, ठीक है, ये परसेंटेज है। और इसी तरह प्रोडक्ट का आपको कल मैंने बता दिया, तो क्वेश्चन भी हो गया जो यहाँ पे भी है। और इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है सम का, भी आपने कर लिया है, टाइम का है, टाइम आपने मालूम करना है, एक सेल में आवर, एक सेल में मिनट, एक में सेकंड, तो आपको ये टाइम बता देगा। इसी तरह फिर आपके पास ईयर का है, तो ईयर के लिए आपके पास डेट होनी चाहिए, तो वो आपको ईयर बता देगा, ठीक है। तो बाकी फॉर्मूला नेक्स्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे।